सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की आज आम सभा है, क्या महत्वपूर्ण चर्चा हुई इस मौके पर? आज बैंक का 114वां वार्षिक अधिवेशन है और राजस्थान का ये पहला सहकारिता क्षेत्र का बैंक है। इस मीटिंग में पूरे वार्षिक आय व्यय की पुष्टि, जो निर्वाचित 215 समितियां और अन्य समितियां, करीब 200-400 समितियां इसकी जो मेंबर हैं, उन सबके अध्यक्ष महानुभाव निर्वाचित सदस्य पधारे हुए हैं और उनको आय व्यय की पुष्टि और आगामी कार्य योजना के बारे में सबको सदन में पढ़ करके सुनाया और सर्वसम्मति से सभी ने उसका अनुमोदन किया। सहकारिता ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, तो उसी संदर्भ में आज हमने एक लाडली बिटिया के नाम से एक योजना शुरुआत की है। इसमें कोई भी व्यक्ति 200 रुपये के मिनिमम से अपना मासिक रूप से जमा करा करके सेविंग्स कर सकता है और उस पर बहुत अच्छी दर पे हम ब्याज दे करके और उसको लाभान्वित करेंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी ये योजना जिले में सहायक होगी। लगभग 90,000 किसानों को हम इस समय जिले से जुड़े हुए जो किसान वर्ग हैं उनको 0% पे 622 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। गरीब के लक्ष्य करीब करीब 95% तक पूरे हो चुके हैं। आज बैंक का 114वां वार्षिक अधिवेशन है और राजस्थान का ये पहला सहकारिता क्षेत्र का बैंक है। इस मीटिंग में पूरे वार्षिक आय व्यय की पुष्टि, जो निर्वाचित 215 समितियां और अन्य समितियां, करीब 200-400 समितियां इसकी जो मेंबर हैं, उन सबके अध्यक्ष महानुभाव निर्वाचित सदस्य पधारे हुए हैं और उनको आय व्यय की पुष्टि और आगामी कार्य योजना के बारे में सबको सदन में पढ़ करके सुनाया और सर्वसम्मति से सभी ने उसका अनुमोदन किया। सहकारिता ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, तो उसी संदर्भ में आज हमने एक लाडली बिटिया के नाम से एक योजना शुरुआत की है। इसमें कोई भी व्यक्ति 200 रुपये के मिनिमम से अपना मासिक रूप से जमा करा करके सेविंग्स कर सकता है और उस पर बहुत अच्छी दर पे हम ब्याज दे करके और उसको लाभान्वित करेंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी ये योजना जिले में सहायक होगी। लगभग 90,000 किसानों को हम इस समय जिले से जुड़े हुए जो किसान वर्ग हैं उनको 0% पे 622 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। गरीब के लक्ष्य करीब करीब 95% तक पूरे हो चुके हैं और रबी का वितरण शुरू कर दिया है। आगामी वित्तीय वर्ष में जो ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है उसमें हम 10% की बढ़ोतरी करके हर ऋणी काश्तकार को उपलब्ध करवाएंगे। आज इस मीटिंग में कुछ सदस्यों द्वारा बीमा योजना और खाद के संबंध में मुद्दा उठाया गया था, तो इफ्को एक अलग कंपनी है और खाद की जो सप्लाई होती है उसका बैंक में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, पर सदन से सभी सदस्यों ने मांग की है कि जो ये सहकारिता क्षेत्र की जो भी खाद की कंपनियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं लेकर के उनकी बाकी समितियों को जो खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है उसी अनुरूप उपलब्ध करवाए, जिससे कि इनकी आय में भी वृद्धि हो और कोई भी इकट्ठा अगर समिति पर जाता है तो हर जगह समितियों में निर्वाचित बोर्ड है, वहाँ 267 रुपये का कट्टा है तो 267 रुपये में ही बिकता है। और हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में वो माल सप्लाई होता है तो उसको 300 रुपये से किसानों को देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरी जो बीमा की प्रीमियम दरें हैं उस संदर्भ में पूरे राज्य सरकार द्वारा भी हमने अवगत करवाया, 17.46 तो 60 वर्ष से कम व्यक्तियों के लिए जो है प्रीमियम दर है और 46.90 पैसा करीब जो है 60 से 80 वर्ष के बीच के लोगों को प्रीमियम रखी गई है। तो ये प्रीमियम दरें अत्यधिक भारी है। पूर्व में भी हमारी जब सीसी बैंक के चेयरमैन और राजस्थान सरकार के बीच बात हुई तो हमने कहा कि इसे प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ दिया जाए, इसमें बहुत कम राशि में ही 1,00,000 रुपये तक की सुरक्षा उस व्यक्ति को भी लाभान्वित होगा और बैंक की रकम भी सुरक्षित रहेगी। तो उसके प्रस्ताव भी आज सभी सदस्यों के मांग करने पर हमने इसमें लिए। मतलब उन्होंने आज हमारे डेयरी के जो सबसे
सीनियर कोऑपरेटर्स हैं अजमेर जिले और राजस्थान में सहकारिता की पहचान है। रामचंद्र जी चौधरी हैं, हमारे रामस्वरूप जी लामा हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और सभी क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष महात्मा भाव हैं और ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं। आपका नाम? सर, एक अध्यक्ष और व्यवस्थापक जो है, अध्यक्ष और व्यवस्थापक है, ये लोग बैंक में आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ सुविधा यहाँ पर हो बैठने के लिए, चर्चा के लिए। वो आज निर्णय ले लिया, कल से एक रूम में अलग से सीटिंग अरेंजमेंट कर देंगे। जो भी जिले का अध्यक्ष और व्यवस्थापक ही नहीं, अगर कोई किसान भी आएगा तो उसको आराम से एक वेटिंग रूम के रूप में जगह उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें वो लोग बैठ करके अपना कार्य के लिए आएंगे तो विश्राम कर सके उनका। बैंक को मजबूत करने के लिए आपने जो योजना लागू की है उसको लेकर आप जिले के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि गाँव में भी हमारी सबसे ज्यादा हर पंचायत स्तर पर समितियाँ हैं तो वहाँ पर वो उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब सारी गो ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है तो वहीं से ब्रांचों में उनका खाता खुल जाएगा और अपनी लाडली बिटिया के लिए वो जितना भी बचत कर सके सहकारिता के माध्यम से अपनी ब्रांच में खाता खुलवाएं, उनको ब्रांच तक आने जाने की भी तकलीफ नहीं होगी और उसके लिए एक निश्चित राशि संग्रहित कर बचत करके और उसके आगामी भविष्य को सुरक्षित बनाएं। आपका नाम? मैं चेयरमैन मदन गोपाल चौधरी, सेंट्रल कोऑपरेटिव।